नमस्कार। प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव बाल करवाने, युवाओं को न्याय, बेरोजगारों को रोजगार और जिस तरह बेरोजगारी बढ़ रही है इस प्रदेश के अंदर, इसको कैसे रोका जाए और नौजवान को एक सही दिशा कैसे राजस्थान के अंदर मिले, इसको लेके कल 14 तारीख को जयपुर के विद्यानगर स्टेडियम के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1,00,000 से ज्यादा छात्रों जवानों की रैली कर रही है। इसका नाम है छात्र अधिकार युवा हुंकार। छात्र संघों के चुनाव जिस तरह के लोग सरकार ने बंद किए, सेमेस्टर प्रणाली की बात करके जो धोखा प्रदेश के जवानों के साथ किया, छात्रों के साथ किया, और दिल्ली जहां केंद्र की खुद की सरकार है और ये केंद्र की सेमेस्टर नीति की बात कर रहे हैं, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 22 तारीख को चुनाव है डीयू के, वहां उन्हें सेमेस्टर याद नहीं आया। और यह अशोक गहलोत दिल्ली की बात करें, उनको हम फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी जो राजस्थान के अंदर हार रही है और भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला के दोनों संगठन, कांग्रेस का संगठन और बीजेपी का जो छात्र संगठन है, दोनों ने मिलके प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने के अंदर अग्रणी भूमिका निभाई। इनके नेता भूमिगत हो गए और कांग्रेस ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने के पीछे उनका उद्देश्य यह भी था कि छात्र संघ के माध्यम से नए नए नेता उभर के आते हैं, लोकतंत्र की मजबूत सीढ़ी है, और किस तरह इन नए नौजवानों को नेता बनने से रोका जाए ताकि दूसरे लोग अपने परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति कर सके। छात्र संघों के माध्यम से मजबूत नेता निकलते हैं, देश प्रदेश के अंदर कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री बने, कई बड़े आंदोलनों के अंदर छात्र संघ के निकले नेताओं ने इस देश के अंदर बड़े आंदोलन किए, बड़े पदों पर रहे, लेकिन दुर्भाग्य से चुनाव का बहाना बना के, विधानसभा चुनाव का बहाना बना के कांग्रेस पार्टी ने अपने विश्वास पत्र जो कांग्रेस का मंत्री जो बीजेपी के नेताओं के टच के अंदर है, उससे बात कराई बीजेपी के नेताओं से, और ये तय हुआ कि हम चुनाव की घोषणा करें, बंद करने की घोषणा करेंगे और बीजेपी बोले नहीं, ताकि पब्लिक को पता नहीं लगे कि पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है जो 25 साल से राजस्थान में चल रहा है। लेकिन ये भूल गए कि प्रदेश में एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी है जिसका छात्र संगठन तो नहीं है, लेकिन वो छात्रों, जवानों और किसानों की पार्टी है। जय जवान जय किसान के नारे के साथ इस पार्टी का उदय हुआ। और जब विश्वविद्यालय के अंदर छात्र संघ चुनाव को लेकर आमंत्रण कर रहे थे छात्र नेता, मेरे को उन्होंने बात करी, मैं उनके बीच गया। मेरी इच्छा थी कि हम तमाम पार्टियां और संगठन मिलकर, छात्र संघ पूर्व अध्यक्ष जो विधानसभा लोकसभा के अंदर है, 50 से ज्यादा नेता राजस्थान के अंदर है अभी वर्तमान के अंदर, तो हम सब मिलकर आंदोलन करें बिना झंडे का आंदोलन। दुर्भाग्य से धीरे धीरे सब पीछे सरक गए और सारा आंदोलन हम लोगों को आगे आके करना पड़ा। मैं धन्यवाद दूंगा उन सब तमाम छोटे भाइयों को जो हिम्मत करके, कई लोग एनएसयूआई और दूसरे संगठनों को छोड़ के हमारे साथ आए। निश्चित रूप से इस लड़ाई में जो छात्रों का साथ देगा, जो छात्र संघ चुनाव कराने में अग्रणी भूमिका निभाएगा, जो बेरोजगारों को रोजगार, युवाओं को न्याय की बात करेगा, उसका भविष्य उज्ज्वल है राजस्थान के अंदर। जो अभी लोग भूमिगत हो गए, कई लोग विधायक बनने का सपना सोच रहे हैं, जब वो कांग्रेस पार्टी बीजेपी के नेताओं के पास गए कि चुनाव होने चाहिए, उन नेताओं ने कह दिया कि आप अपनी टिकट की चिंता करो, आपको क्या करना चुनाव से, भाग गए यहाँ से, भूमिगत हो गए। उनसे भी राजस्थान का युवा छात्र सवाल जवाब करेगा। कल की जो रैली है, ये 70 साल के अंदर किसी ने छात्र हितों के लिए इतना बड़ा आंदोलन नहीं किया जो पहली बार राजस्थान के अंदर हो रहा है। और ये आंदोलन का मौका भी मुझे मिला जो राजस्थान विद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष था, और पिछले 25 साल से आपके लिए लड़ रहा हूँ। 2004 में जब छात्र संघ के चुनाव बंद हुए, 4 से 10 जब मैं 8 में विधायक बना, 10 के अंदर वापस चुनाव कराने के अंदर अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है तो आपके भाई की, नागौर के सांसद की महत्वपूर्ण भूमिका, विधायक रहते हुए उसने चुनाव कराने की घोषणा कराई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके बीच जोधपुर विश्वविद्यालय आया, अजमेर आया, बीकानेर, सीकर, अलवर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, और जो मान सम्मान और समर्थन आपने दिया छोटे भाइयों ने, हमारी छोटी बहनों ने,
उसे देख के लग रहा है कि निश्चित रूप से सरकार को झुकना पड़ेगा। भाइयों, इस समय आपको एक बात और सोचने की आवश्यकता है कि जेपी नड्डा को सरकार बनाने की चिंता है, बीजेपी के तमाम नेता सरकार बनाने के अंदर मशगूल है और कांग्रेस पार्टी सरकार रिपीट करने की बात कर रही है। कांग्रेस के वो नेता सचिन पायलट जैसे लोग जो युवाओं के दम पर आज राजनीति के अंदर जिस तरह अगुवाई कर रहे हैं, छात्र चुनाव पर एक शब्द नहीं बोल पाए। बीजेपी कांग्रेस के वो तमाम नेता जो छात्र और युवाओं की बड़ी बड़ी बातें करते, युवाओं के लिए करेंगे, छात्रों के लिए करेंगे, चुप हो गए, उनके मुंह पे ताला पड़ गया। आपने जो समर्थन मुझे दिया यहाँ पे और महामंथन धरना आपके बीच आया, तमाम जो विश्वविद्यालय के छात्र नेता और पुराने हमारे जो भाई है सब कॉलेजों के अंदर गए, हमारे बच्चे जयपुर के अंदर भी हर प्राइवेट कॉलेज दूसरे कॉलेज के अंदर जा रहे हैं। हमें कल की रैली को ऐतिहासिक बनाना, जयपुर के अंदर राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी रैली होनी चाहिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में जयपुर शहर के अंदर लाखों छात्र रहते हैं, एक दिन आप लोग विद्यानगर स्टेडियम के अंदर एक छात्र शक्ति को बचाने के लिए, जवान को बचाने के लिए आप एक बार इस व्यवस्था परिवर्तन में विद्यानगर स्टेडियम की तरफ आए, रैली को सफल बनाए। हमारे पास संसाधनों की बहुत बड़ी कमी है। मैं तमाम जिलों से, मैं गंगानगर से बात करूंगा, गंगानगर जिला सारे लोग आपस में बात करेंगे, अपने खुद के साधन लाएंगे, ट्रेन का भी साधन है, दूसरे बच्चों के साधन है, जो समाज सेवी भामा साहब वो भी मदद करेंगे बच्चों की। हनुमानगढ़ जिला बड़ा बड़े जमींदार है, यहाँ के बच्चे हमारे ज्यादा से ज्यादा कैसा है, ये सब हनुमानगढ़ गंगानगर टीम सुन रही है सारी सारे। आपको तय करना कि वहां मैं हाथ खड़े कराऊंगा कौन से जिले से कितने लोग आए। बीकानेर छात्र आंदोलन बहुत बड़ी अगुवाई की बीकानेर जिले ने, ये मैं पुराने जिलों के हिसाब से बात कर रहा हूँ। नए जो जिले बने, क्योंकि चुनाव आयोग ने नए जिलों को अभी तक यही माना कि जो पुराने जिले थे वही मदर जिले होंगे और वहां ही उन जिलों के चुनाव पुराने जिले करेंगे। जैसे नए जिले बने उनको तो मैं बधाई, लेकिन पुराने जिलों के हिसाब से मैं अपील कर रहा हूँ आप सबसे। आप बीकानेर से आए, नागौर जिला, जोधपुर जिला, बाड़मेर जिला जो बॉर्डर का जिला हमारा, जैसलमेर जिला, पाली, जालोर, सिरोही जिला, अजमेर जिला, फिर आपका भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिला, फिर आपके आ जाए टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा जिला, जयपुर जो हमारा जो राजधानी है राजस्थान की, और हम सब जो है वो जयपुर की गलियों में, जयपुर के कॉलेज विद्यालय में राजनीति करके यहां तक पहुंचे। जयपुर का पूरा जिला, शेखावाटी अंचल जो सबसे मजबूत इलाका सादत के मामले में शेखावाटी अंचल को जाना जाता है, सीकर, झुंझुनू, चूरू, भरतपुर जो हमारी शान है, भरतपुर, अलवर, धौलपुर और करौली, मेरे हिसाब से करीब करीब जिलों में नाम ले लिए, भूल चूक कोई रह गए तो आप सब मेरे भाई हैं। और जो नए जिले बने राजस्थान के, तमाम जो संख्या 33 से 50 हो गई, उन जिलों को भी जोड़ लो, इसी जिलों के अंगे हो, जहां हम नहीं पहुंच पाए, जहां हमारे प्रतिनिधि नहीं पहुंच पाए, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबसे अपील करता हूं कि ये लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं है, ये छात्र हितों पे जो कुठाराघात हो रहा है, छात्र संघों के चुनाव आज बंद कराए, परमानेंट बंद करा देंगे तो आप क्या कर लोगे बताओ मुझे, ये लिंग दो कमेटी, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, एक मुकदमा दर्ज किया चुनाव लड़ने से वंचित कर देंगे। सरकार वैसे ही छात्रों को, युवाओं को दबाने का प्रयास करी, विश्वविद्यालयों के अंदर जिस तरह स्वायत्ता खत्म हो रही है, जिस तरह विश्वविद्यालय के कैंपस में पुलिस 24 घंटे भ्रमण करती है जैसे कोई पुलिस लाइन हो विश्वविद्यालय कॉलेज, स्वायत्ता का हनन नहीं हो विश्वविद्यालय की, छात्र संघों को पूरा अधिकार मिले, जवानों को रोजगार मिले राजस्थान के अंदर, कहां हम जवान अपराध में राजस्थान एक नंबर आ गया, पेपर लीक की घटनाओं से लेके जिस तरह बदनामी का दाग, काला टीका, बदनामी का जो कलंक इस राजस्थान के माथे पर लगा, इसको धोना हम सबको, नौजवानों को मिलकर, कोई बचाना नहीं आएगा आपको। बीजेपी रिपीट होना चाहती है और कांग्रेस भी रिपीट होना चाहती है, बीजेपी वापस 170-160 की बातें करी राजस्थान के अंदर, बीजेपी के लोग फोटो छपाने के अंदर मशगूल है, फोटो कैसे छपे किसी का, फ्रंट पेज पे फोटो नहीं आए तो नाराज, मुख्यमंत्री के कितने चेहरे कांग्रेस रिपीट करने के अंदर लगी। भाइयों, आपकी चिंता किसी को नहीं, आपकी चिंता अगर किसी को तो आरएलपी पार्टी को, जो आपके संघर्ष से बनी। मुझे पता है जब मेरे पे झोटवाड़ा के अंदर हमला हुआ था तब राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर 3-4 हजार छात्रों ने लाठियां खाई थी मेरे लिए, तो मेरा संगठन नहीं था, यही छात्र थे
कोई एनएसओ जुड़ा हुआ था, कोई एसएफआई का था, कोई विद्यार्थी परिषद का था, या कोई निर्दलीय बच्चे थे, या कोई गांव के बच्चे थे। संगठन नहीं होते भी हनुमान बेनीवाल पे उनको पता था कि हनुमान बेनीवाल हमारी लड़ाई लगे। मैं ऋण उतारने का समय आ गया और ऋण उतारने के लिए पिछले एक महीने से लगातार आपके बीच हूँ, हर जगह प्रयास किया, विश्वविद्यालय के अंदर दो बार गया और तमाम राजस्थान का भ्रमण किया। और मैं आपको आह्वान करता हूँ कि कल की रैली के अंदर आप इंतजार नहीं करें कि ये कोई पार्टी की रैली नहीं है, ये कोई टिकट वितरण नहीं हो रहा। आप अपने अपने साधनों से आपको आना है। आरएलपी पार्टी के जो पदाधिकारी रहे, संयोजक है, जो नेता है, परिवार है हमारा, ये आपस में बात कर लें। किसी से फोन पे बात हो गया, उसने मेरे को फोन नहीं किया। शादी ब्याह और फंक्शन के अंदर फोन करके बुलाया जाता है। ये हमें इस राजस्थान को बदलने की जो चुनौती है वो स्वीकार हम लोगों ने की। हम इस व्यवस्था को बदल रहे हैं। 70 साल में कोई पार्टी नहीं बना पाया राजस्थान के अंदर। पार्टी बना के एक व्यक्ति ने प्रयास किया, पूरा 25 साल का जीवन अपने आप में समर्पित कर दिया। आज वो आपको आपके खुद के हकों के लिए लड़ने के लिए पुकार रहा है। वो खड़ा है, वो कह रहा आओ मैं आपको हक दिलाऊंगा, न्याय दिलाऊंगा। जितने भी संविदा कर्मी जयपुर के अंदर अलग अलग रोज बैठे हैं बच्चे, या शहीद स्मारक पर ले आए हैं, अमरूदों के बाग से विधानसभा से घसीटते घसीटते यहाँ भी धरना नहीं देने दे रहे। पुलिस पकड़ लेती है, विधायक 144 लगाती है, मुकदमे दर्ज करती है। जितने भी संविदा कर्मी आंदोलन कर रहे हैं, जितने भी खाली पद राजस्थान के अंदर है, चाहे नर्सिंग के हो, चाहे पंचायत राज के हो, चाहे कंप्यूटर के हो, चाहे एजुकेशन के, हमारे टीचर के, जितने भी हो, जिस तरह पेपर आउट हुए, वापिस जो एग्जाम हुए, कई जगह नहीं हुए, तो इन सारी सारी जो डिमांड है आप लोगों की, हम चाहते हैं कि चुनाव राजस्थान के अंदर आने वाले हैं। किसी भी क्षण राजस्थान में 4 तारीख अक्टूबर बाद आचार संख्या लग जाएगी। हम चाहते हैं कि कल आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूरे राजस्थान से आप आए, सरकार को अपनी ताकत दिखाएं और सरकार को यह संदेश दें कि राजस्थान का जवान और छात्र इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बेकाब में नहीं आएगा। तो उसी के साथ है जो उनके लिए लड़ रहा है, जो सुख दुख की घड़ी के अंदर उनके साथ है। नया मतदाता जो 60 लाख से 80 लाख जुड़ेगा इस बार, और वो पहली बार वोट करेगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि राजस्थान अब उन राज्यों में शामिल होगा जहाँ तीसरा मोर्चा भी है, क्षेत्रीय पार्टी भी है। आज से 4-5 साल पहले तो लोग ये कहते थे क्षेत्रीय पार्टी बन ही नहीं सकती, कोई मोर्चा बन ही नहीं सकता। अब धीरे धीरे लोग क्षेत्रीय पार्टी मोर्चे को मानने लगे। कल की जो हमारी लड़ाई है वो छात्र संघों को मजबूत करने की लड़ाई है, युवाओं को उनका हक और अधिकार दिलाने की लड़ाई है, युवाओं को न्याय दिलाने की लड़ाई है, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की लड़ाई है। हमें ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर चाहिए जहाँ हमारी बहन बेटियों की चीख पुकार राजस्थान के अंदर नहीं हो, सड़क पर 12 बजे भी निकले तो मजा ले, कोई सामने देख ले, ऐसी व्यवस्था हम राजस्थान में चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि किसी नौजवान को आत्महत्या नहीं करनी पड़े रोजगार के अभाव। कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जिस तरह 29 बच्चों ने पिछले समय सुसाइड किया, लंबे समय तक कोचिंग इंस्टीट्यूट के एक भी मालिक को गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस एफ आई आर दर्ज करती पैसे लेके, बच्चों का मानसिक शोषण होता है, फीस इकट्ठी करके पैसे कमाने का धंधा उन लोगों ने बढ़ा लिया। कितने प्राइवेट विश्वविद्यालय खुल गए, कितने कॉलेज खुल गए, डिग्रियां बढ़ रही है राजस्थान के अंदर। भाई उस राजस्थान को कौन बचाएगा? अब कोई लोक देवता अवतार नहीं लेगा राजस्थान के अंदर। आपको अपनी शक्ति को पहचानना है, कल जयपुर कूच करना है। जिस तरह किसान आंदोलन में आपके भाई ने दिल्ली की मोदी की सत्ता छोड़ के 70 दिन सड़क पर बैठ के देश के किसानों के समान लड़ाई लड़ी, अग्निपथ के मामले के अंदर देश के जवानों को, सेना को सम्मान दिलाने के अंदर एक MP अगर सड़क पर रहा, 2 लाख जवानों की रैली जोधपुर में करके संदेश दिया और 25% अग्निवीर रख रहे थे इस सरकार दिल्ली की डरी और 50% को वापस एडजस्ट करने की बात करी, और एक कूच हम दिल्ली की ओर बाद में करेंगे जो अग्निपथ को भी वापस करवाएंगे, जिस तरह किसान बिल वापस हुए। आप सबसे मैं आह्वान करता हूँ कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, आपस में सब लोग बैठ के बात कर लें। जिलों में जिनके पास साधनों की व्यवस्था नहीं और बात करें तो हमारे यहाँ कंट्रोल रूम के अंदर मेरे से या दूसरे जो नंबर है उन पर बात करें, सारी व्यवस्था आप लोगों को यहाँ लाने की करेंगे। ट्रेनें भी चल रही है, बसें भी चल रही है। एक दिन आपको इस युवा शक्ति के नाम, छात्र शक्ति के नाम देना है। इस प्रदेश के अंदर चुनाव हो, हमारे छोटे भाई छात्र संगठन देख, मैं बेटियों से भी अपील करूंगा कि बेटियां जब तक सड़क पर नहीं निकलेगी बच्चों के साथ तब तक ये सरकार झुकने वाली है। बेटियों को डरने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों के स्टेडियम जयपुर शहर की बच्चियां अगर निकल पड़े और आसपास के इलाके की बच्चियां आ जाए, और हमारी जो बेटियां जो नेता बनना चाहती है राजनीति के अंदर वो सारी अगर निकल पड़े तो निश्चित रूप से बड़ा बदलाव होगा। और आज जो छात्र संघ चुनाव का मजाक बना रहे हैं दिल्ली के जो नेता बीजेपी के, कांग्रेस के, वो जैसे ही आप बड़ी संख्या के अंदर आओगे तो आपके पक्ष में बोलने शुरू हो जाएंगे। चमत्कार को नमस्कार है, आप चमत्कार करो। शांतिपूर्वक तरीके से आपको विद्यानगर स्टेडियम के अंदर
सुबह 10 बजे से लगा के और 11, 12, 1 बजे तक आप सबको पहुंचना, लास्ट 12 बजे तक आप सबको आना है, क्योंकि हम ये कार्यक्रम चालू कर देंगे 10, 11, 12 बजे। और ये आपकी खुद की लड़ाई है, मेरी लड़ाई नहीं है ये, मैं कोई वोट के लिए रैली नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके हकों के लिए, जब मुझे लगा कि राजस्थान में कोई लड़ने वाला नहीं है, जब मुझे लोगों ने कहा साहब यहाँ लड़ने वाले लोग नहीं बचे, तो मैंने कहा नहीं नहीं अभी लड़ने वाला है, मैं लड़ने वाला हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं बच्चों का आंसू पहुँचूंगा, मैं इस तरह आमरण अनशन बच्चों को नहीं करने दूंगा, क्योंकि स्वास्थ्य के साथ जो सरकार खिलवाड़ करी वो भी निकल, लाठी डंडा बच्चों में नहीं चले, हनुमान बेनीवाल आगे खड़ा, आप चिंता नहीं करें। कल बड़ी संख्या के अंदर राजस्थान के नौजवानों से अपील करता हूँ, छात्रों से अपील करता हूँ, बेरोजगारों से अपील करता हूँ, अलग अलग आप कहाँ बैठे हो, कल सारे सारे विद्याधरनगर स्टेडियम पहुंचो, आपको न्याय दिला के ही दम लेंगे, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। शांतिपूर्वक तरीके से हमें विद्यानगर स्टेडियम आना है और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को हमें सफल बनाना, कल और परसों, आज और कल पेट्रोल पंपों की जो एसोसिएशन है यहाँ की राजस्थान की, उन्होंने हड़ताल करी है पेट्रोल डीजल की, सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक, आज 10 से 6, शाम को 6 बजे अपनी गाड़ियों में तेल भरवाएं सारे सारे, और सुबह 6 बजे से पहले भराना पड़ेगा, नहीं तो फिर हड़ताल है, तो आज शाम को ही गाड़ियों के अंदर तेल भरवा लें सब लोग, कल तकलीफ नहीं पड़े रास्ते के अंदर, तो आज शाम को 6 बजे से लेके और सुबह 6 बजे तक गाड़ियों की टंकियां फुल करा लें आप लोग, और जब कल वापिस जाएं या कल जो भी आगे का प्रोग्राम है, तो कल 6 बजे हड़ताल जब टूटेगी उसके बाद तेल यहाँ से भरा लेंगे। तो ये भी मैं आपको याद दिलाता हूँ, जितने भी गाड़ी जो बस है चाहे आपकी गाड़ियाँ हैं, छोटी फोर व्हीलर है, बाइक है, सारे के सारे टंकियां अपनी फुल अभी से करा लें, कहीं ऐसा नहीं हो कि अपन एन वक्त ये बात भूल जाएं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना। आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि इतने सफलतम तरीके से आपने जो 10 दिन का ये आंदोलन हमारा चला राजस्थान के अंदर, भरपूर समर्थन आपने तमाम राजस्थान के संभाग मुख्यालयों पर दिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको जीता के ही मैं दम लूंगा, शासन चुनाव की घोषणा भी सरकार से कराऊंगा और भारतीय जनता पार्टी को भी बेनकाब राजस्थान के अंदर करेंगे, कि किस तरह बीजेपी कांग्रेस से मिली हुई है। अशोक गहलोत कहते हैं कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई, और जब कैलाश मेघवाल का आज 4 दिन 5 दिन पहले का जो बयान था, अर्जुन मेघवाल पर जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, इसके कानून मंत्री पर जो आरोप लगे, और कैलाश जी चूंकि इतने वयोवृद्ध नेता है और पार्टी ने जिस तरह उनको आज निकाला, पार्टी ने मुझे भी निकाला था भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन अब जो कैलाश जी को निकाला वो उनका पार्टी का अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर सच को दबाने का प्रयास करेगी, एक कैलाश मेघवाल को निकाल देगी, एक हनुमान बेनीवाल को निकाल देगी, एक और को निकाल देगी, तो दूसरे नए तैयार हो जाएंगे लोकतंत्र के अंदर, किसी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, और आवाज दबाने का प्रयास करो तो उतनी तेजी से दूसरे लोग उठ के खड़े हो जाएंगे। आप सब कल ज्यादा से ज्यादा तादाद में विद्यानगर पहुंच के इस ऐतिहासिक रैली को सफल बनाएं, और अपने हक और अधिकार मांगने से नहीं मिलते, छीनने पड़ते हैं, और आप निकल पड़े अपने भाई को मजबूती देने के लिए और अपने अधिकार लेने के लिए सरकार से और अधिकार छीनने के लिए।